चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में 25% तक वृद्धि के विरोध में मिनी स्टील प्लांट मालिकों ने आज रात से काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। स्टील उद्योग एसोसिएशन के पदाधिकारी अनिल नचरानी ने एनडीटीवी को बताया कि आज रात 12 बजे से छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा मिनी स्टील प्लांट बंद हो जाएंगे। दरअसल एसोसिएशन ने सरकार से बिजली दरों में वृद्धि को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। महंगी बिजली की वजह से 1 टन स्टील उत्पादन में 2 से 2500 की लागत ज्यादा आ रही है, जिससे वो दूसरे राज्यों से आगे नहीं निकल पाएंगे। अनिल नचरानी ने बताया कि उनकी एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि अगर CSPDCL बिजली सस्ती नहीं दे सकती तो उन्हें अदाड़ी पावर समेत निजी पावर जनरेशन कंपनी से बिजली खरीदने की इजाजत दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, क्या कुछ मांगे की जा रही है और क्या कुछ बात बन पाई है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? अभी हाल में ही विद्युत विभाग ने छत्तीसगढ़ में बिजली की जो दरें हैं उनमें वृद्धि की थी, और इसमें जो उद्योग से जुड़ी हुई बिजली है उसमें भी वृद्धि की गई थी। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ का देश का एक दूसरा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है, स्टील का उत्पादन होता है। उड़ीसा में 26% देश का कंट्रीब्यूशन है और 22% छत्तीसगढ़ का है। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ के जो स्टील से जुड़े हुए उत्पत्ति हैं उन्होंने सरकार से मांग की थी कि पुरानी जो दरें थी उस दर में प्रोडक्शन कर रहे थे तो मार्केट में कंपटीशन कर पाते थे। अब जो 25% से जो विद्युत की दरें बढ़ा दी गई हैं उससे उनके प्रोडक्शन की जो लागत है वो 2 से 2500 रुपए बढ़ जाएगी। तो उनका ये कहना था कि 1 टन प्रोडक्शन करते हैं स्टील का तो उसमें 1200 से 1500 यूनिट का की खपत होती है, और इतनी वृद्धि हो जाने की वजह से उनका उत्पादन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसे में वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से उन्होंने विद्युत की जो दरें हैं उन्हें वापस करने की मांग की थी, लेकिन वो मांगे मानी नहीं गई। फिर बीच में एसोसिएशन ने सरकार को ये भी प्रस्ताव भेजा कि निजी क्षेत्र की जो भी पावर जनरेशन कंपनियां हैं उनसे वो सीधे तौर से खरीदने की परमिशन दे दे तो उससे उनको प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे सस्ती पड़ेगी। तो हालांकि ये बातें नहीं हुई हैं, और यही वजह है कि ये सब बातें नहीं माने जाने की वजह से आज से मिनी स्टील जो प्लांट है छत्तीसगढ़ में वो बंद होने जा रहे हैं। और रात को 12 बजे के बाद एसोसिएशन ने कहा है कि काम बंद कर दिया जाएगा। तो जब काम बंद होगा तो उससे निश्चित तौर से उत्पादन में गिरावट आएगी, और जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं जो उसमें काम करते हैं उनको भी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। जी तो चलिए, मांग यहाँ पर की गई है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर कोई बात बनती हुई नजर आती। नजरिया आप बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।